नमस्कार, प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। हेल्थ मंत्रा में हम बात करते हैं अलग अलग बीमारियों की और उस पे लेते हैं विशेषज्ञों की राय, क्या है सही इलाज और कैसे करें उपाय। और आज भी हम एक गंभीर बीमारी पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ महिलाओं में होती है, जिसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है गोल्ड मेडलिस्ट BHMS महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज सिंह जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो हम चाहेंगे सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप मेडिकल फील्ड में कब से हैं और आज हम बात करने वाले हैं PCOD PCOS के बारे में, तो इसको आप कितनी गहराई से समझती हैं। नमस्कार शिखा जी, और मुझे हेल्थ मंत्रा में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस साल 2022 में हमें प्रैक्टिस करते हुए पूरे 20 साल हो गए हैं। नैना होम्यो केयर के माध्यम से होम्योपैथिक फील्ड में सर्विसेज दे रहे हैं हम लोग, और लास्ट ईयर जो है हमने महिलाओं में एक जागरूकता शुरू करने के लिए कि होम्योपैथी में PCOD PCOS या यूटराइन फाइब्रॉइड और बहुत सी महिलाएं से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका निदान बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, उस अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने लास्ट ईयर द PCOD क्लिनिक के नाम से अपना एक कैंपेन लॉन्च किया है। तो जिसके माध्यम से खैर क्लिनिक पे जो लोग आते हैं उनको भी एक आइडिया लगता है कि हाँ, इसमें एक विशेष तरह से मतलब पॉसिबल है होम्योपैथी में उनके लिए एक ट्रीटमेंट जो कि उनके लिए इफेक्टिव होगा, कारगर होगा। जी, तो आज हम अपने दर्शकों को PCOD और PCOS के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि PCOD PCOS ये महिलाओं में होता है, महिलाओं को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। सबसे पहले ये होता क्या है और इसके लक्षण क्या है, कैसे पता चले महिलाओं को कि वो इस बीमारी से जूझ रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप शिखा जी कि लोगों में जागरूकता नहीं है कि PCOD अगर उनको हो गया है तो भी क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। और एक चीज़ और, जैसे अगर किसी को पता भी चल जाता है बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस के बाद कि हाँ हमें PCOD है, या कहें कि और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे थायराइड से रिलेटेड डिसऑर्डर है या PCOS है या यूटराइन फाइब्रॉयड है, तो वो लोग इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हैं या उनके घर वाले इतना बहुत मतलब एक तरह से कहते हैं ना दहशत में आ जाते हैं कि हमें बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। बिल्कुल, जिसको होती है वही समझता है कि हाँ उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी, या एक फ्यूचर को लेके एक बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर वो चलने लगता है कि क्योंकि PCOD का एक मेजर कॉम्प्लिकेशन इनफर्टिलिटी है, यानी मतलब ऐसे में बच्चा होने कंसीव करने में दिक्कत आने लगती है। तो कहीं ना कहीं जो फैमिलीज आती हैं हमारे पास, तो बच्चियां जो आती हैं उसमें मोस्टली मदर का कंसर्न सबसे बड़ा हो जाता है कि शादी के बाद दिक्कत हो जाएगी, कंसीव करने में दिक्कत हो जाएगी। एक बहुत कहते हैं ना एक ट्रॉमेटिक इफेक्ट होता है फैमिली के ऊपर। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये समझिए कि PCOD एक ट्रीटेबल प्रॉब्लम है जो सही समय पे अगर पूरा उसका निदान किया जाए, और उससे संबंधित अभी हम बात करेंगे कि PCOD के मेन कारणों में क्या है, अगर उनके ऊपर काम किया जाए तो PCOD समय रहते ठीक हो जाता है और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस जनरेट नहीं हो पाते हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस में जो बच्ची है वो नहीं जा सकती। पहले तो हम जानते हैं PCOD का फुल फॉर्म क्या है, ये है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, और PCOS का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जहाँ PCOD एक डायरेक्टली ओवरी से रिलेटेड इशू है, जबकि PCOS भले नाम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है तब भी इसमें ओवरी का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी नहीं है। सिंड्रोम मतलब होता है जिसमें तीन या चार प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे शरीर से जुड़ी हुई होती हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक एंटायर डिफरेंट चीज़ है PCOD से। PCOD PCOS का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि PCOD में ओवरी में सिस्ट हों। तो पहले तो इस चीज़ को समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। PCOS के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग PCOD के बारे में बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चले कि हमें PCOD। देखिए, अक्सर क्या होता है कि एज ग्रुप जो है वो उसमें भी थोड़े चेंजेस आए हैं। पहले जो ये एज था ये लेट जैसे 20 की तरफ को जब होता था, 18, 19, 20, और ये 20s में तब ये अक्सर केसेस आते थे कि PCOD डिटेक्ट हुआ। लेकिन अब एक बहुत ही मेजर चेंज आया है कि अब ये 13-14 की एज में भी बच्चों को होने लगा है। जो बच्चियां हैं वो अक्सर उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं जब पीरियड से रिलेटेड और फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार रिपीट होता है वो इशू, तब जब इन्वेस्टिगेशंस कराई गई हैं तो वो
ये इधर जो है पिछले 8-10 सालों में इस एज ग्रुप में ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, और इसके पीछे कारण है। ऐसा नहीं है कि ये बिना कारण बढ़ गया है, तो उन कारणों के लिए हम जानते हैं कि क्या चीज़ें हैं। देखिए, पीसीओडी आजकल अगर आप देखेंगे जो फूडिंग हैबिट्स हैं वो बहुत चेंज हो चुकी हैं पहले से, जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है पहले से, और उसके अलावा जो है एंजाइटी है, जो स्कूल गोइंग बच्चों के ऊपर स्ट्रेस है, और कहीं ना कहीं फैमिली स्ट्रेस भी है, जैसे अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं तो उसका भी असर आता है। उसका असर कैसे आता है कि जैसे पहले एक्सटेंडेड फैमिलीज होती थी तो बच्चों के स्ट्रेस रिलीज हो जाया करते थे, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कजन्स हैं, लेकिन अब वो न्यूक्लियर फैमिली में कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स का जो स्ट्रेस है वो भी बच्चे कैरी ऑन कर ले जाते हैं। ये एक नज़रिया है, मतलब एक तरफ से अगर देखें, और बाकी सारी चीज़ें बहुत देर तक जगते रहना, बहुत देर से सोना, और सुबह देर से उठना जी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना होना, केवल स्कूल जाना है, बुक्स लेके बैठे रहना है, वो केवल आप टेबल पे पूरा टाइम गुजर जा रहा है बच्चों का। इसमें गलती नहीं है बच्चों की, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ कोई ऑप्शन नहीं है कि हाँ पढ़ाई करनी है तो इतना टाइम देना है, कहीं ना कहीं हमको चेंजेस लाने पड़ेंगे। और डाइट में आजकल जंक फूड, स्ट्रीट फूड, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम करता है वो प्रोसेस्ड फूड, जो हाई शेल्फ लाइफ या लॉन्ग शेल्फ लाइफ का फूड है वो सबसे ज्यादा दिक्कत करता है। यानी हमने वजह जान ली है कि बुरी आदतों से, जंक फूड से बीमारियां होती हैं, और पीसीओडी खास तौर से होता है। अब जो सिम्टम्स होते हैं हम कैसे पहचाने कि हाँ यही है, क्योंकि जो टीनेजर्स होते हैं उनके हार्मोनल चेंज भी होते हैं, और उस टाइम पे अगर ऐसे हार्मोनल चेंज होते हैं जिसकी वजह से पीसीओडी होता है, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करें? अक्सर क्या होता है कि एक तो बच्ची पहले ही जब प्यूबर्टी होती है, जब जिसको मेनार्की कहते हैं, जब पीरियड पहली बार स्टार्ट होता है, तो अनयूजुअल स्ट्रेस वैसे ही दिमाग पे होता है 1-2 साल तक कि ये क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है, वो भी एक इशू है जिसकी वजह से, और शुरू के 1-2 साल तक थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, तो उसमें नहीं सोचना चाहिए कि हाँ अभी से हमें शुरू हो गया। और दूसरी चीज़ ये है, जो टीनेजर जो एक एज ग्रुप है उसमें जो ज़रूरी नहीं है कि पीरियड्स आपके 30 डेज या 28 डेज या 32 डेज पे ही आए। पीरियड्स जो रेगुलेट होते हैं, पीरियोडिक साइकिल इसीलिए कहा जाता है, या पीरियड ही नाम उसका इसलिए है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का, क्योंकि वो एक पीरियड के बाद आती है, इसीलिए उसको कहा पीरियड जाता है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इतना ही पीरियड है, 30, 28, 32, ऐसा नहीं है। 21 से लेकर 45 डेज तक ये जो टाइम है वो गर्ल्स का है, मतलब टीनेजर ग्रुप जो है उसके लिए हो सकता है। तो ये जो है ऑन एन एवरेज 21 से 45 दिन, और ये लेटर एज मतलब जो 25 साल या 20 साल के बाद जो है ये पीरियड होना चाहिए 21 से 35 साल, लेकिन हम अभी टीनेजर्स के लिए बात करेंगे तो 21 से 45 टाइम होता है दिनों का। तो ये मत सोचिए कि 30 के ऊपर चला गया है जो टाइम है, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम ही हो। तो एक अपना सबका साइकिल होता है, एक इंडिविजुअल साइकिल होता है, तो वो डिफ्रेंशिएट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमेशा डिले हो जाना पीसीओडी है ये नहीं मान सकते आप, ठीक है। पहला सबसे जो मेजर लक्षण पीसीओडी का देखा गया है वो है वेट गेन, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। वो एकदम से भी हो सकता है, जैसे बोलते हैं कि एकदम से वज़न बढ़ गया हमारा, पिछले पेशेंट आते हैं तो बोलते हैं कि पिछले दो या तीन महीने में अप्रॉक्सीमेटली 5-6 किलो वज़न बढ़ गया एकदम से, लेकिन उसको वो थायराइड के केसेस, हाइपोथायराइड का जो केस है उसमें भी बढ़ता है, और मतलब ब्लीडिंग भी अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करती है। किसी को जो है जल्दी शुरू हो जाता है, और किसी को डिले होता है, या अक्सर डिले होने लगता है। कई बार क्या होता है, कई कई दिन हो जाते हैं स्पॉटिंग में, तो बहुत सारी चीज़ों में, मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है वो बहुत तरीके से प्रेजेंट कर सकती है, तो उसमें आप श्योर शॉट नहीं हो सकते कि हाँ अगर ऐसा हो रहा है तो प्रॉब्लम है। और हेयर फॉल होना, हेयर फॉल ज़बरदस्त होने लगता है, ये केवल जो पीसीओडी की वजह से हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं उसकी वजह से होता है। हेयर फॉल होने लगता है, जो हमारा स्कैल्प है वो ऑयली रहने लगता है। आज शैम्पू करेंगे तो कहिए कि कल या परसों में वो स्कैल्प, बच्ची कंप्लेन करती है कि फिर से ऑयली हो गया, और उसी ऑयली की वजह से डैंड्रफ प्रोन स्किन होती है, तो जो स्कैल्प है उसमें डैंड्रफ भी होता है, ऑयली भी होती है, और एक्ने, फेस के ऊपर एक्ने बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, और
ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये कुल मिला के हमें एक हल्का सा ग्लिम्स देते कि हाँ कहीं PCOD तो नहीं है। तो आगे के जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशंस में मेजर होता है कि एक अल्ट्रासाउंड करा लेना। जो प्रिलिमिनरी है, जो पहला है, वो अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, और फिर अल्ट्रासाउंड के बाद आप बाकी हार्मोन्स भी चेकअप करा सकते हैं जो ब्लड टेस्ट के ज़रिए होते हैं। और कुल मिला के यही 2-3 टेस्ट से कन्फर्म हो जाता है कि PCOD की प्रॉब्लम है। जी, अब हमें कंफर्म हो गया है, हमने जिस तरह से ट्रीटमेंट शुरू होता है सबसे पहले टेस्ट से, ब्लड टेस्ट करा लिया, डायग्नोस करा लिया, तो अब हम अगर होम्योपैथिक चुने, एलोपैथिक चुने, इसमें कैसे हम डिसाइड करें कि हमको करना क्या है? हाँ, ये चीज़ है कि देखिए, एलोपैथी में जो ट्रीटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम दिया जाता है, हमेशा नहीं कहूँगी मैं, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, वो हार्मोनल पिल्स होती हैं। तो हार्मोन्स के ऊपर हमारी बॉडी अगर डिपेंड हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं ये होता है कि हमारी खुद की जो बॉडी की रीजनरेशन कैपेसिटी है वो अफेक्ट होती है। होम्योपैथी का एक सिद्धांत है कि जो मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसे कोई मेडिसिन एक्सटर्नल फोर्स का काम नहीं है कि हाँ कुछ दिया और कोई भी XYZ रिजल्ट आ गया हमें। जी, पहली बात तो ये समझना है कि होम्योपैथी काम कैसे करती है। होम्योपैथी हम जब लेते हैं, हम पूरा केस लेने के बाद जो सबसे सटीक दवा है, जिसको हम सिमिलिमम कहते हैं, वो दी जाती है। वो सिमिलिमम लेने के बाद वो हमारा जो हम लोग कहते हैं कि बॉडी एक लाइफ फोर्स है, बॉडी में एक लाइफ फोर्स है, वाइटल फोर्स जिसको कहा जाता है, तो वो जो वाइटल फोर्स है उसको पूरी तरह से रीजनरेट करती है। जैसे कहते हैं कि ससेप्टिबिलिटी, इम्यूनिटी सब इंक्रीज होने लगती है। जी। तो जब कोई भी बॉडी हेल्दी होगी, मतलब जैसे हमारे सारे फंक्शंस नॉर्मल हो जाएंगे, हमारा कोई भी सिस्टम है वो भी नॉर्मली फंक्शन करने लगेगा, तो नो डाउट है जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो भी बॉडी ऑटो करेक्ट करने लगती है। बट होम्योपैथिक मेडिसिन एक स्टिमुलाई देती है उसको, मतलब वो जब बाहर से एक स्टिमुलस दिया जाता है तो बॉडी उस मेडिसिन के मतलब सपोर्ट से खुद को जो है बूस्टअप करती है, और धीरे धीरे वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। जी, ये तरीका मतलब ऐसा नहीं कि खाली PCOD के लिए है, दिस इज द बेस ऑफ होम्योपैथी, वो होम्योपैथी ऐसे ही काम करती है। तो हम तो यही कहते हैं कि होम्योपैथी से जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं किसी भी चीज़ का, तो दैट इज लाइफ लॉन्ग, लेकिन उसमें कुछ क्लॉज है। लाइफ लॉन्ग कहते हैं ना, एक बार दवा से ठीक हो गया होम्योपैथी से तो वो कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने गड़बड़ की तो वो फिर होगा। जी बिल्कुल, सबको ये सवाल होता है कि हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर एक बार ये बीमारी हो गई हमें, उसके बाद जब ट्रीटमेंट से ठीक हो गई, तो क्या ये दोबारा वापस आ सकती है बीमारी? बिल्कुल, क्यों आ सकती है, आप ये सोचिए। हमने शुरू में डिस्कस किया था किन किन कारणों से हो सकती है प्रॉब्लम। जी, ठीक है, तो जब वो कारण हमने, मान लीजिए हमने दवा ली, हमने डॉक्टर की राय को पूरी तरह फॉलो किया, डॉक्टर ने कहा जंक नहीं खाइए, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल मत खाइए, प्लास्टिक, हाँ एक मेजर हम लोग एक चीज़ भूल गए थे, जो प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज़ है वो नहीं करना चाहिए। स्पेशली जो यंग जनरेशन है, जो टीनेजर्स हैं, उनका आप बहुत ध्यान दें। जो मदर्स हैं स्पेशली, जो प्लास्टिक कंटेनर्स, स्पेशली हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम टिफिन्स ही देते हैं, जो लंचेस हैं, तो कोशिश करें कि आप बच्चों को स्टील का ही यूज़ कराएं, क्योंकि प्लास्टिक, ये एक रिसर्च है, साबित है, ये पूरी तरह से तथ्य है कि प्लास्टिक से जो भी मतलब खाना उसमें है, वो गर्म खाना स्पेशली जब भी रहेगा, उसकी वजह से भी PCOD की प्रॉब्लम हुई है, ये देखा गया है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखें, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है लेकिन लाइफ चेंजिंग हो सकती है, तो इस चीज़ को अवॉइड करें। अगर आप ये सब नहीं मानते हैं, प्रोसेस्ड फूड अगर शुरू कर देते हैं, अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते हैं, किसी फॉर्म की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो फिर से बिल्कुल हो सकता है। जी, जैसे कि आपने पहले बताया कि टेंशन, माइंड में स्ट्रेस, तो उसकी वजह से भी दोबारा हो सकता है। अब बेस क्या रहता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का? जो आपने बेस बताया कि डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो क्या PCOD में भी सीधा जो टेंशन होती है उसको खत्म करने के लिए क्या ट्रीटमेंट किया जाता है? मतलब डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं, वो आप समझिए कि बॉडी को बूस्टअप करता है। मतलब जैसे हार्मोनल पिल्स की बात करें, जो आपने पूछा था कि एलोपैथिक होम्योपैथी में क्या सही है, एलोपैथिक है, हम एक्सटर्नल पूरा का पूरा हार्मोन ही उसको दे दे रहे हैं। हमने एक पिल बनाई है जिसमें हार्मोन है, वो किसी भी चीज़ हमने दिया, तो आप सोचिए कि एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देती हूँ। मान लीजिए कोई बेरोजगार है जी, अगर आप उसको पर मंथ एक जो उसके गुजारे लायक एक अमाउंट है वो आप हर महीने देते रहिए, उसमें अगर खुश है तो क्या वो काम करेगा? बिल्कुल,
काम करना छोड़ देगा छोड़ देगा तो वो बॉडी भी तो है, वो भी ये होगा अगर एक्सटर्नली उसको मिल रहा है कुछ जी. तो वो अपना जो उसका एक प्रॉपर सिस्टम है, प्रोसेस है, वो भी धीरे धीरे ठप होने लगता है. वहाँ से कोई प्रोडक्शन नहीं होता है जो हमारे नेचुरल हार्मोन्स हैं उनका, और उसके बजाय हम सिंथेटिक हार्मोन्स जो बाहर से मिल रहे हैं, पूरी बॉडी उस पर डिपेंडेंट हो जाती है, जिसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं. लेकिन जो जल्दी रिजल्ट चाहिए होते हैं वो लोग एलोपैथिक की तरफ जाते हैं. होम्योपैथिक लोग मानते हैं कि ये बहुत लंबा समय लेती है. अगर पीसीओडी की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट कितने समय तक चलता है? वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी पुरानी है और आप कितना कोऑपरेट करते हैं डॉक्टर को. डॉक्टर को कोऑपरेट करने का मतलब है अपने लिए, आप कितना उनकी राय मानते हैं, कितनी चीज़ों पे वर्कआउट करते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है. खाली दवा, मतलब एक होता है ना कि दवा दे दी और मिरेकल हो जाएगा, पीसीओडी में कुछ चीज़ों में वाकई ऐसा होता है कि हाँ केवल दवा की ज़रूरत होती है, लेकिन पीसीओडी में आपको अपनी बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल या मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है. जब तक आप वो नहीं करते हैं तब तक आपको दिक्कत होती है. वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान में रखना. जी, अच्छा टाइम टेबल और अच्छा फूड, जैसे कहते हैं ना कि हरी सब्जी अपने खाने में इंक्लूड करें, योगा करें, तो इन सब का कितना फर्क पड़ता है? बहुत बहुत पड़ता है. जितना एक डिमांड आजकल आ रही है ऑर्गेनिक फूड की, बिल्कुल हाइप की तरह हो गया है कि हाँ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, लेकिन वाकई ये बहुत ज़रूरी है. क्योंकि हम जितना क्लीन फूड खाएंगे, क्लीन यानी जिसमें पेस्टिसाइड्स नहीं हैं, जिसमें हार्मोन्स बूस्टेड नहीं हैं, जो कि सबसे मेजर प्रॉब्लम दूध में आजकल आ रही है, जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है वो मैक्सिमम डिपेंडेंट होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन पर, तो वो इसीलिए एक और ये दिक्कत और भी देखी जा रही है. क्योंकि बच्चे जो हैं, अमूमन क्या होता है कि स्कूल गोइंग किड्स को मोस्ट ऑफ द टाइम एक हैबिट होती है कि दो टाइम देते ही देते हैं, जो हिंदुस्तान की परंपरा है कि हाँ बच्चों को ये ज़रूर देना है, दूध ज़रूर देना है, तो वो कंजम्पशन क्योंकि रेगुलर रहता है तो वो कहीं ना कहीं एक माइन्यूट अमाउंट में जो है हम लोग कंज्यूम करा रहे हैं अपने बच्चों को, तो जिसकी वजह से कई बार होता है कि बच्चों को हमें दूध मना करना पड़ता है. ये एक रीज़न है कि आप मत दीजिए. या अगर आपका सोर्स है प्रॉपर कि हाँ आपको लगता है कि इसमें कोई किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तब आप दे सकते हैं. और बाकी फूड जो है, जैसे हरी सब्जियां हैं, सीजनल फल खाइए, कोशिश करें कि जो आपका लोकल फल है इस खाइए, क्योंकि उसमें लीस्ट पेस्टिसाइड होता है जी. जो भी दूर से आएगा उसमें ज़्यादा होगा. बिल्कुल. पीसीओडी हमारे बॉडी के और कौन कौन से पार्ट्स पे इफेक्ट करता है? पीसीओडी अपने आप में तो एक लिमिट है कि हाँ ये ओवरी पे प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम आ रही है, बट अगर इसको छोड़ दिया जाए और अगर पेशेंट में ये एडवांस होता जाता है, बढ़ता चला जाता है, तो इसके अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं. जो सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन है जो शुरू में हमने बोला था वो है इनफर्टिलिटी जी, जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है. और भी धीरे धीरे जो सीधा कॉम्प्लिकेशन नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसे जो रिसर्च है वो उसमें यही आता है कि जिनको पीसीओडी का प्रॉब्लम है वो लॉन्ग टर्म में जाके उनको हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम है, हाइपर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, और शुगर लेवल्स भी, जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो भी बढ़ने का प्रॉब्लम आ सकता है जी. ये तो क्या आई साइट पे भी कोई असर पड़ता है? आई साइट पे असर डायरेक्ट नहीं, वो वही है, अगर शुगर लेवल्स बढ़े हैं तो वो इनडायरेक्टली जाएगा. यानी कि शुगर लेवल बढ़ता है तो पूरी बॉडी पे, होल बॉडी पे असर करेगा. वो तो एक एंटायरली डिफरेंट टॉपिक हो गया जी. जो अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात की हमने पीसीओडी की, तो ये हो सकती है. और एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है एंग्जाइटी और डिप्रेशन. आप अगर देखेंगे जो वही मैंने बोला कि पीसीओडी नाम सुन के बच्चियां और उनके जो घर वाले हैं इतने टेंशन में आ जाते हैं, एक पूरे टाइम एक स्ट्रेस बच्चे के ऊपर रहता है, तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि देखी गई है. मतलब एंग्जाइटी, एंग्शियस रहती है बच्ची वो पूरे टाइम, और इसका इनडायरेक्ट असर अगर आप देखेंगे तो उसके जीवन शैली पे भी आता है और उसके करियर पर, उसकी पढ़ाई, मतलब ओवरऑल अगर देखें तो ये एक पीसीओडी जो है वो डिस्टर्ब करने वाला प्रॉब्लम है अगर आपको टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिलता है. जी, आपने हमने बात तो कर ली कि किस तरह से होता है. क्या ये भी रीज़न हो सकता है कि अगर फैमिली में किसी को है तो वो जो है बाय बर्थ जो है आगे बढ़ता चला जाए? आप जेनेटिक बात कर रहे हैं ना कि क्या ये जेनेटिक रूप से भी आगे बढ़ता है? देखा गया है ये कि अगर फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री में ज़रूरी नहीं है कि मदर को ही हो, आपके सिस्टर को हो सकता है, मैटरनल हिस्ट्री में नानी, मौसी, मतलब जो ब्लड रिलेशंस हैं, या बुआ, इन लोगों में अगर है तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. अगर आपने प्रिकॉशन नहीं ली तो हो सकता है
जी, अगर बात करी जाए, आपने सिंड्रोम बताया है, तो क्या ये सिंड्रोम कितना घातक हो सकता है, कितना बढ़ सकता है? वो जो हाँ हमने बात की थी पीसीओएस की। हाँ जी, वो पीसीओएस, उसमें मैंने वही बोला कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है वो, जी उसका जो फुल फॉर्म है। तो घातक वाली बात वही है कि सब चीज़ों पे असर करता है, जिसमें जो हमने डिस्कस की थी कि जस्ट मतलब नाम मेंशन किए थे, शुगर लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, थायराइड लेवल्स, दोनों लगभग जो सेम हमारा है। मेटाबॉलिज्म है, जी नहीं, डिफरेंट है ये उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसमें ओवेरियन सिस्ट होना इम्पोर्टेंट है, जी और एक्चुअली तो ओवेरियन सिस्ट हम अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें पीसीओडी की, तो उसमें डिफरेंट होता है थोड़ा सा, कि हमारा जो एक पूरा साइकिल है, पीरियोडिक साइकिल है, वो जी तीन फेजेस में डिवाइडेड होता है। पहला होता है फॉलिकुलर फेज, फिर ओव्यूलेशन होता है, और फिर होता है ल्यूटियल फेज। अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूँ तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, जी तो उसमें मेन होता है कि इतना समझ लीजिए कि जो फॉलिकल्स हैं शुरू के कुछ दिनों में, वो लोग मतलब जो फॉलिकल्स हैं वो ग्रो करते हैं, और कई फॉलिकल्स एट अ टाइम ग्रो करते हैं, लेकिन उसमें से रप्चर एक ही होता है। जी तो जब रप्चर होता है तो ही ओव्यूलेशन होता है, मतलब उसमें से एग रिलीज हो जाता है जो यूट्रस में चला जाता है, बाकी फॉलिकल्स डोमिनेंट रह जाते हैं। बट पीसीओडी की प्रॉब्लम में क्या होता है कि बहुत सारे जो फॉलिकल्स हैं वो मेच्योर तो होते रहते हैं, लेकिन उसमें जी ओव्यूलेशन नहीं होता है, मतलब एग रिलीज नहीं होता है, और वो बहुत वैसी स्थिति में, कोई छोटा बड़ा मतलब उस स्थिति में रह जाता है, ओव्यूलेशन नहीं होता है। जी पीसीओडी का सबसे मेजर प्रॉब्लम यही है। कई बार लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये भी होता है एलोपैथी में कि सर्जिकल अप्रोच की जाती है, जी जिसमें कि ये मल्टीपल फॉलिकल्स रप्चर कर दिए जाते हैं, और बहुत सारे जो उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन वो हार्मोनल ट्रीटमेंट के जरिए फिर एक प्रॉपर ओव्यूलेशन क्रिएट करी जाती है, जो जी कि कई बार कारगर होती है। जी ये चीज़ होता है। पीसीओडी को मेन हार्मोनल डिसबैलेंस कहा जाता है, तो कौन कौन सी चीज़ों को अपने खाने में ऐड करके हम लोग अपने हार्मोनल डिसबैलेंस को खुद से भी ठीक कर सकते हैं, दवाइयों के साथ साथ घर की चीज़ों से, फ्रूट से ठीक कर सकते हैं? फ्रूट्स में तो आप सीजनल फ्रूट खाइए, लोकल फ्रूट खाइए। कुछ सीड्स हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगी, जी सीड साइकिलिंग भी कहा जाता है उसको, और सीड्स अकॉर्डिंग टू हमारी साइकिल होता है कि हाँ पहले इतने दिन ये, फिर इतने दिन ये। तो उसमें जो है सनफ्लावर सीड्स, सीज़मी सीड्स यानी तिल का तिल, तिल के बीज, और सूरजमुखी के, जी पम्पकिन के यानी जो कद्दू होता है, और फ्लैक्स के जिसको अलसी कहा जाता है। तो जी ये जो सीड्स हैं, अगर रेगुलर हम कंज्यूम करते हैं, अगर आपकी साइकिल रेगुलर नहीं है तो अगर आधा आधा चम्मच डेली लेना शुरू करें एक मिक्स बना के, तो ये धीरे धीरे हमारा बॉडी को जो है हार्मोन्स हैं उनको काफ़ी हद तक रेगुलेट करते हैं। लेकिन अगर आपकी साइकिल रेगुलर है तो एक अलग तरीके से इन्हीं सीड्स का कंजम्पशन होता है। तो उसके लिए तो फिर आप किसी गायनी को भी, या जैसे किसी भी लेडी डॉक्टर को अप्रोच करेंगे तो आपको गाइड कर देंगी। लेकिन तब तक अगर आपके साइकिल्स रेगुलर नहीं है तो उसमें यही है, पम्पकिन है, सीजमी है, सीड सनफ्लावर है, और फ्लैक्स है। जी तो आज की जनरेशन जिस तरह से बहुत भागदौड़ भरी इस जिंदगी जी रही है, और जिस तरह से उनका रूटीन भी देखा गया है, बहुत डिसबैलेंस है। फोन का और यूज, जी सेल फोन का यूज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता वो है। भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, हाँ तो आप ऐसे में टीनेजर्स को स्पेशली क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अगर वो अपना रूटीन ठीक रखते हैं तो आगे ये प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? टाइम से सो जाएं, और मोबाइल फोन का यूज रात में कम से कम करें। कोशिश ये करें कि एक बार सेल अगर अपने पास से दूर कर दिया है तो हम क्लिनिक पे भी यही राय देते हैं कि दूसरे रूम में रखाइए, क्योंकि आप अगर अपने पास रखेंगे, बगल में रखेंगे, अपने रूम में रखेंगे, वो एक अंदर से मैसेज आता है कि उठा लिया जाए, जस्ट चेक कर लिया जाए, बट वो आप खुद देखिए कि जब आप देखते हैं तो वो कितनी देर का होता है, वो 1 मिनट का ना होके एक एक घंटे, दो दो घंटे का हो जाता है, और आप जगते रह जाते हैं। फिर वही चीज़ सुबह देर तक होता है, सुबह देर से उठते हैं, जो कि सुबह जो हमारे लिए सबसे असेंशियल जो कहते हैं कुदरत ने दिया है विटामिन डी के लिए, सनलाइट, सुबह की जो धूप है वो बहुत ज़रूरी है, वो आप मिस कर देते हैं। स्कूल आप जाते हैं, उठते हैं, फटाफट सब काम करके तुरंत निकल जाते हैं। थोड़ा सा रिलैक्स करिए, थोड़ा जल्दी उठिए, थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करिए, नेचर की तरफ जाइए। आज वर्ल्ड हेल्थ अर्थ डे है, सो आप सब लोगों को एक बहुत बहुत बड़ी शुभकामना,
जो है अर्थ डे की, लेकिन इसी के साथ ये समझिए कि जो प्रकृति ने हमको दिया है उसको कंजर्व करिए, और प्रकृति ही मतलब जैसे हमें भी प्रकृति ने ही दिया है जो हम लोग हैं, बहुत बड़ा एक मैसेज आता है कि जैसे हम उसकी केयर नहीं कर रहे हैं, अर्थ की केयर नहीं कर रहे हैं, जो हाल आज हो रहा है वैसे ही हम अपनी केयर नहीं कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। कोशिश करिए कि नेचुरल चीज़ों पे अपना जो है, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे उठना हो, सोना हो, ये सारी चीज़ें कोशिश ये करें कि उस पर फोकस्ड रहें। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे अपनी मदर्स की नहीं सुनते, ये कोशिश करें कि मदर्स जो आपको बताती हैं, जो आपकी माँ है वो आपका सबसे ज़्यादा भला चाहती है, तो कोशिश करें कि उनकी सुने, क्योंकि जो दादी नानी से चलता आ रहा है, जो हमारा स्वास्थ्य है, बहुत वो लोग जानते नहीं थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही फॉरवर्ड होती चली जा रही हैं जो आज अब साइंटिफिक रिसर्च के ज़रिए पता चल रहा है कि हम लोगों के लिए कितना अच्छा था। तो कोशिश यही करें कि पैकेट का खाना बंद कर दीजिए, जितना पैकेट बंद चीज़ें होती हैं वो मिनिमाइज कर दीजिए, चलिए बंद मत करिए तो कम से कम मिनिमाइज तो करें। और फिजिकली एक्सरसाइज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, भले हफ्ते में 5 दिन हो और 40 मिनट की ही क्यों ना हो, वॉक से लेके योगा, प्राणायाम, ये सब कर सकते हैं। रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आप कुछ भी जो आपको लगता है वो करिए। म्यूज़िक, बहुत लोग रिलैक्स होते हैं, कई लोग डांस से रिलैक्स होते हैं, कुछ लोगों को बहुत अच्छा है कि प्राणायाम भी आता है। तो कुल मिला के यही है कि ये दौड़ भाग वाली जो लाइफ है ना, इसमें थोड़ा सा खुद को स्लो करें, ऑब्जर्व करें अपनी बॉडी हमें क्या इंडिकेशन दे रही है। अगर आप ध्यान देंगे कि हमारी बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट है, तुरंत शेयर करें अपनी मदर से। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए और उनको PCOD के लिए जागरूक करने के लिए। तो हेल्थ मंत्रा के आज के एपिसोड में हमारे साथ महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज सिंह जी थी, जिन्होंने हमें PCOD के बारे में विस्तार से बताया, उसके लक्षण बताए, कैसे होता है, किन चीज़ों से हम बच सकते हैं, साथ ही साथ किन चीज़ों का इस्तेमाल करके, योग करके हम अपने जीवन को और स्वस्थ बना सकते हैं, इस बारे में भी बताया। अगले एपिसोड में मिलेंगे, एक और बीमारी पर चर्चा करेंगे, साथ ही विशेषज्ञ से जानेंगे कि कैसे इससे बचा जाए, इसके सही इलाज और उपाय क्या है। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।